भोपाल के बावड़िया कला में एक स्कूल संचालक के साथ एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है और एनएसयूआई एबीवीपी के इस बर्ताव का जमकर विरोध कर रही है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जबरदस्ती स्कूलों में जाकर सदस्यता अभियान चला रही है, जो कि पूर्णतः अनुचित है। एनएसयूआई छात्रों को गांधी जी, अम्बेडकर जी, स्वामी विवेकानंद, नेहरू के बारे में पढ़ाने का काम करती है, वहीं दूसरी तरफ एबीवीपी छात्रों को कम उम्र में ही गुंडागर्दी की ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा स्कूलों में जाकर जबरदस्ती पर्ची काटकर पैसे वसूल कर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एकदम अनुचित है, क्योंकि उस अवस्था में स्कूल में छात्र होता है 5 साल से 15 साल की उम्र में छात्र होता है, जो कि नाबालिग अवस्था होती है। उस समय छात्रों को अच्छा आचरण, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार सिखाने की आवश्यकता होती है, ना कि गुंडागर्दी करके जबरदस्ती उनकी सदस्यता कराकर उनका राजनीतिकरण करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरे प्रदेश में एबीवीपी गुंडागर्दी करते हुए सरकार के इशारे पर, आरएसएस के इशारे पर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर जबरदस्ती स्कूल में जो है छात्रों की सदस्यता करा रहे हैं, एनएसयूआई इसका विरोध करती है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।